Dear trainees, hope you all are doing great. So today, I will teach you about CCE, Continuous and Comprehensive Evaluation, जिसे हिंदी में सतत व्यापक मूल्यांकन भी कहते हैं. अब इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे. It was made mandatory in the National Policy of Education of 1986 to introduce CCE in schools as an important part of examination reforms and for the qualitative improvement in education system. Section 29(2)(c) of RT 2009 provides for curriculum and evaluation procedure in elementary schools and shall be laid down by an academic authority. To be specified by the appropriate government by notification, namely comprehensive and continuous evaluation of child's understanding and knowledge and the ability to apply it. Section 30 provides that no child shall be required to pass any board examination till completion of elementary education, should be free from stress and anxiety, and provides flexibility in NCF 2005. And the child will be awarded a certificate after the completion of elementary education. अब हम CCE के concept के बारे में बात करेंगे. It refers to a particular process of evaluation which is school based and it aims at the all round development of the student. As a school based activity integrated with teaching learning, it helps in doing away with the examination fear, anxiety. This process includes continuity of testing with reasonable intervals and covering different aspects of curricular and co-curricular areas to help the students. It refers to continuity and regularity of assessment during the whole session. Regularity kis tarah se ki jayegi, continuity kis tarah se maintain ki jayegi, regular class test diye jayenge aur unit test bhi and term test. Isse regularity bani rahegi and this is the basis of formative assessment. जो कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखता है, इसमें कॉन्टिन्यूसली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को देखा जाता है किस तरह से चल रहा है, और इसमें उसके बाद डायग्नोसिस किया जाएगा हार्ट स्पॉट का, बच्चे के जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसका पता चलेगा, उसकी लर्निंग गैप्स का पता चल सकता है, और फिर टीचर उस वीकनेस को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, डायग्नोज करेंगे, करेक्ट करेंगे. रीटेस्टिंग एंड गेटिंग फीडबैक में हेल्प द टीचर्स फॉर देयर सेल्फ एवेल्युएशन. टीचर्स अपने आप भी स्वयं एवेल्युएट करेगा. इट रेफर्स टू एरियाज ऑफ असेसमेंट विच इंक्लूड्स बोथ स्कोलास्टिक एंड कोस्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ लर्नर्स ग्रोथ, हेल्पिंग इन द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. जो स्कोलास्टिक एस्पेक्ट है दैट इज रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड द स्कूल अकेडमिक्स मार्क्स रिजल्ट्स. और जो कोस्कोलास्टिक होता है वो किससे डील करता है, बच्चे के एटीट्यूड वैल्यूज स्पोर्ट्स, ये सभी उसमें आते हैं. एंड देन द स्कोलास्टिक एस्पेक्ट इंक्लूड्स करिकुलर एरिया और सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरियाज एंड कोस्कोलास्टिक एस्पेक्ट इंक्लूड्स लाइफ स्किल्स को करिकुलर एक्टिविटीज एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज. अब हम क्लास में जो रेगुलरली ये फॉर्मेटिव असेसमेंट साइकिल चलती है उसके बारे में बात करेंगे. तो हम यहाँ देख सकते हैं इसके स्टेप्स यहाँ मेंशन है. सबसे पहले वाले स्टेप में हम चलेंगे, दैट इज नंबर वन, दैट इज टू एस्टैब्लिश गोल्स बेस्ड ऑन द असेसमेंट डेटा. सबसे पहले किसी भी चीज को करने के लिए लक्ष्य होना बहुत जरूरी है. अगर हमारे गोल्स क्लियर नहीं हैं तो हम दूसरा स्टेप नहीं ले सकते. जैसे बच्चों, अगर बच्चे अपने गोल सेट करें, जैसे उन्हें अगर टेट क्वालिफाई करना है, दैट इज द गोल, और देन वी कम टू द सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई द लर्निंग टारगेट्स एंड प्लान इंस्ट्रक्शन. उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए हम उद्देश्य बनाते हैं, हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं. जैसे मान लीजिए टेट क्वालिफाई करने के लिए बच्चे कहीं इंस्ट्रक्शंस अपने लिए लिख सकते हैं कि उनको पहले का सिलेबस पता होना चाहिए, पिछले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो देखने हैं, तो वो अपने लिए इंस्ट्रक्शंस कुछ तय करेंगे. और फिर उसके बाद जो अगला वाला हमारा स्टेप है, दैट इज डिज़ाइन फॉर्मेटिव क्लासरूम असेसमेंट्स टू प्रमोट स्टूडेंट लर्निंग. अब बच्चे की लर्निंग को मेजर करने के लिए टीचर असेसमेंट डिज़ाइन करेंगे, और फिर इंस्ट्रक्शन एंड ऑनगोइंग असेसमेंट लगातार चलती रहेगी क्लास में. और फिर टीचर क्या करेंगे, दे विल कलेक्ट कॉन्टिन्यूस एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग. ये
रेगुलरली चलती आएगी इस असेसमेंट क्लास में, और फिर उससे टीचर्स जो होते हैं वो मॉनिटर कर सकते हैं बच्चे की लर्निंग में कुछ प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। टीचर फिर फीडबैक देगा बच्चों को, और उससे बच्चों को पता चल सकता है कि उनमें जो कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ लर्निंग गैप्स हैं, जहाँ उन्हें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। टीचर फीडबैक देगा बच्चों को, उन्हें बता सकता है, जैसे इस केस में बता सकता है कि इसमें कि आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है टेट के लिए, लेकिन ब्रूनर की थ्योरी आपको समझ नहीं आई ठीक से। फिर बच्चा उसके अपने लिए उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये वाली इन्फॉर्मेशन, बिकॉज बच्चा हॉट स्पॉट्स को जानेगा और उस पर काम करेगा, एनहांस करेगा, इम्प्रूव करेगा अपनी लर्निंग को। और फिर टीचर जो होते हैं, दे कैन रिवाइज करिकुलम इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट एज नीडेड। टीचर विल एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट अगेन यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स। सो दिस साइकिल इज गोइंग ऑन कॉन्टिन्यूसली इन द क्लासरूम। अब हम नीड एंड रेलिवेंस ऑफ सीसी के बारे में पढ़ेंगे। नंबर वन, इट हेल्प्स टू मेक द एजुकेशन प्रोसेस अ स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटी। अब फोकस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो शिफ्ट हो गया है फ्रॉम टीचर टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अपने आप चूज कर सकते हैं वो क्या लर्न करेंगे, वो कैसे लर्न करेंगे, वो कैसा पेस रखेंगे लर्निंग के लिए, और वो अपने आप को अपनी लर्निंग को कैसे असेस करेंगे। नंबर टू, टू डिवेलप कॉग्निटिव साइकोमोटर एंड द इंटरपर्सनल स्किल्स। कॉग्निटिव जो होती है, कॉग्निटिव स्किल्स दैट इज रिलेटेड विद द मेंटल प्रोसेसेस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन नोइंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। बात करें साइकोमोटर की, दैट मीन्स द फिजिकल स्किल्स, जैसे कि मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ, स्पीड। इसका बिहेवियरल एग्जाम्पल है ड्राइविंग अ कार। एंड देन वी कम टू द इंटरपर्सनल स्किल्स। जो इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं वो ऐसे स्किल्स होते हैं जो एक पर्सन, जिससे हमें पता चलता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, उसका बिहेवियर किस प्रकार का है। और इसमें क्या क्या आएगा इसके एग्जाम्पल्स में, एक्टिव लिसनिंग, टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप एंड देन मोटिवेशन, पेशेंस, वो सभी जो है वो इंटरपर्सनल स्किल्स में आते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स को साइकोसोशल स्किल्स भी कहते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स को हम साइकोसोशल स्किल्स भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज टू हेल्प द टीचर ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज टू डिवेलप स्टूडेंट्स अचीवमेंट थ्रू कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड रेमिडिएशन, असेसमेंट इन कोस्कोलास्टिक एरिया। बाय कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन चिल्ड्रन कैन नो देयर स्ट्रेंथ्स एंड देयर वीकनेसेस। इट प्रोवाइड्स रियल रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट ऑफ हाउ ही स्टडीज। It helps the learner to determine the areas of instruction in which more emphasis is required. Learning gaps के बारे में पता चलेगा बच्चों को. They will try to improve their learning. It helps in making decision for future regarding the choice of subjects, courses and careers. Because बच्चों को पता चलेगा अपनी strengths का पता चलेगा, उन्हें पता चल जाएगा कि वो किस subject में अच्छे हैं, तो they can pursue that later. Now we are going to discuss the principle and objectives of CCE. The principles of CCE. Number one, enriching the curriculum to provide for overall development of child rather than remain textbook centric. Making examinations more flexible and integrated into classroom life. Connecting knowledge to life outside the school. Ensuring that learning is shifted away from the rote methods. इसमें emphasis ज़्यादा ले किया जाता है बच्चे के thought process पे. And then nurturing an overriding identity informed by caring concerns within the democratic polity of the country. Now, I'm going to discuss the objectives of CCE. Number one, to make evaluation an important part of teaching learning process, to use evaluation for improvement of students' achievement through diagnosis and remediation, to make sound judgments and take timely decisions for learners' growth, learners' progress, learner's pace and learning environment, to maintain desired standard of attainment and to provide scope for self-evaluation. Jo students hote hain, they become aware of their own learning, which is known as assessment as learning. Now, I'm going to discuss assessment and evaluation. Often, assessment and evaluation are used interchangeably, but there is a difference in what these imply. असेसमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस है।
Assessment is a process of identifying the learning gaps of children while teaching learning is going on through gathering and analyzing evidence. It involves modifying one's own teaching learning as per need of children to provide timely support. Whereas evaluation focuses on judging learning process of learners against established criteria. To what extent changes have taken place in learning and development among the children. Now, I'm going to discuss the types of assessment. Number one, that is placement assessment. इसको हम pre-assessment भी कहते हैं और ये instruction से पहले conduct की जाती है. कुछ baseline set की जाती है जिससे student की growth का मापन किया जाता है, बच्चे के skill level का पता चलता है. ये graded नहीं होता. जो दूसरा वाला है assessment हमारा, that is the formative assessment. जो formative assessment होता है, ये फॉर्मेशन से बना है. फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेशन किस चीज की, फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, किस चीज की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं क्लासरूम में, किस चीज की कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग की, नॉलेज की. तो इसमें क्या होता है, इट इज कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स. एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज देयर. फीडबैक टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर वर्क After they get feedback, because it continuously चल रहा है तो बच्चे को opportunity मिलती है कि वो अपनी improve कर सके अपनी learning को जब उन्हें teacher feedback देता है. उसके बाद जो अगला वाला है, that is diagnostic assessment. जो diagnostic assessment है, instructions create करने से पहले बच्चे के strengths, उसकी weakness, skills, knowledge का पता लगाया जाता है. And then is the last one, that is हमारा summative assessment. Summative assessment occurs at particular point of time, usually the end of a course or semester, to determine what students know, to predict and judge students' performance, to give grades, to promote students. It is assessment of learning. And then, I'm going to tell you something about the journey of CC in Himachal Pradesh. एक पायलट प्रोजेक्ट इस पे स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था 2007-2008 में. हर एक डिस्ट्रिक्ट के एक एक ब्लॉक को चूज किया गया था और उसमें जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स किए गए थे सिलेक्ट, दे वर फ्रॉम क्लास 1 to 5. उनको इवैल्यूएट किया गया था, उनको असेस किया गया था एज पर द पेडागोजिकल नीड्स स्टेटेड इन NCA 2005. दैट इज डिफरेंट लर्नर्स लर्न डिफरेंटली, the quality of teaching beyond the examination hall, paper pencil test, and pupils' achievement both in the scholastic and the co-scholastic domains were kept in view. Teachers were contacted aur parents ke saath bhi coordinate kiya gaya tha to improve the student learning status. Now I will discuss the types of assessment followed in an academic session. दो तरह के असेसमेंट्स किए जाते हैं, एक है फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा है समेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 per term, फर्स्ट टर्म में FA1, FA2 और सेकेंड टर्म में FA3, FA4. नाउ द समेटिव असेसमेंट, 1 per term, द फर्स्ट टर्म SA1 एंड सेकेंड टर्म SA2. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर गिवन इन द स्लाइड्स फॉलोड फॉर ऑल द एलिमेंट्री क्लासेस. फर्स्ट टर्म विंटर स्कूल में फेब्रुअरी टू जून में किया जाता है और समर स्कूल में अप्रैल टू सितंबर में किया जाता है. सेकेंड टर्म विंटर स्कूल में जुलाई टू दिसंबर और समर स्कूल में अक्टूबर टू मार्च में किया जाता है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द डिटेल्स रिगार्डिंग द फॉर्मेटिव एंड द समेटिव असेसमेंट. FA1 विंटर स्कूल में मार्च के लास्ट वीक में किया जाता है और अगर हम बात करें समर स्कूल्स की तो मई के सेकेंड वीक तक किया जाता है. FA2 विंटर स्कूल्स में मई के सेकेंड वीक में और समर स्कूल्स में जून के थर्ड वीक में आयोजित किया जाता है. FA3 विंटर स्कूल्स में अगस्त के थर्ड वीक में और समर स्कूल्स में नवंबर के थर्ड वीक में तक किया जाता है. FA4 विंटर स्कूल्स में अक्टूबर के थर्ड वीक में और समर स्कूल्स में जनवरी के फर्स्ट वीक तक किया जाता है. SA1 विंटर स्कूल्स में जून के लास्ट वीक तक और समर स्कूल्स में सितंबर के थर्ड वीक तक किया जाता है.
एसे टू विंटर स्कूल्स में दिसंबर के सेकेंड वीक में और समर स्कूल्स में मार्च के सेकेंड वीक तक आयोजित किया जाता है। जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है, अगर हम बात करें एसे की यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ओरल टेस्ट और रिटन टेस्ट दिए जाते हैं। जो रिटन टेस्ट होता है वो एक क्लास टेस्ट होता है एंड इट इज लाइक टेस्ट ऑफ 70 मिनट्स कंडक्टेड इन द फर्स्ट टू पीरियड्स। उसके बाद रूटीन क्लासेस कंटिन्यू करती हैं। एंड देन इफ वी डिस्कस अबाउट द समेटिव असेसमेंट, उसमें क्या होता है, 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है और क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से, बच्चे की क्रिएटिव राइटिंग चेक की जाती है, पिक्चर रीडिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं। और जो रिजल्ट का डेटा कलेक्शन है वो किस प्रकार से किया जाता है, बच्चे के जो मार्क्स होते हैं वो सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज सेल्फ मेड सीसी रजिस्टर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम फाइनल रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो ग्रेडिंग जो होती है वो किस प्रकार से की जाती है। अगर बच्चे के मार्क्स 80 और 100 के बीच में आए तो उसे ए ग्रेड में रखा जाता है और उसको आउटस्टैंडिंग रिमार्क्स दिए जाते हैं। अगर उसकी टोटल परसेंटेज जो मार्क्स हैं ऑब्टेन्ड है दैट इज बिटवीन 65 to 79 तो उसको बी ग्रेड में रखते हैं और रिमार्क्स में उसे वेरी गुड लिख दिया जाता है। अगर बच्चे के मार्क्स 50 or 64 बीच में होते हैं तो उसे सी ग्रेड में रखा जाता है और उसको गुड ग्रेड दिया जाता है, रिमार्क्स दिए जाते हैं। एंड देन अगर उसके मार्क्स परसेंटेज 35 or 49 के बीच में होगी तो उसे डी ग्रेड में रखा जाता है और रिमार्क्स में एवरेज लिख दिया जाता है। अगर बच्चे की परसेंटेज 1 or 34 के बीच में है तो उसे हम ई ग्रेड में रखते हैं और बिलो एवरेज रिमार्क्स दिए जाते हैं। नाउ वी कैन सी हियर द रिपोर्ट कार्ड एंड दिस इज अवर फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास। और हम यहाँ देख सकते हैं दोनों एरियाज कवर हुए हैं इसमें, द स्कॉलास्टिक, यू कैन सी हियर द स्कॉलास्टिक जिसमें उसके वो आते हैं सारे जो मार्क्स आए हैं उसकी क्लास में, सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। एंड देन यहाँ पर हम देख सकते हैं इस वाले साइड में, राइट हैंड साइड में, यहाँ पर आते हैं कोस्कोलास्टिक एरियाज कवर होते हैं। अगर हम कोस्कोलास्टिक एरियाज की हम बात करें तो इसमें क्या क्या दिया है, इसमें लाइफ स्किल दिया हुआ है, फिर डिस्क्रिप्टिव इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। लाइफ स्किल की अगर हम बात करें, जो लाइफ स्किल्स हैं कौन कौन सी कवर हुई हैं इसमें, तो इसमें लाइफ स्किल सबसे पहला वाला है पर्सनल, फर्स्ट इज पर्सनल स्किल। तो इसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या इंडिकेटर्स दिए हैं बच्चे के, जो फर्स्ट है यहाँ पर नीट एंड टाइडी, कर्टियस, कॉन्फिडेंट, रेगुलर, पंक्चुअल। फिर सेकंड वाला जो है लाइफ स्किल दैट इज सोशल, और सोशल में क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन से इंडिकेटर्स दिए हुए हैं सोशल में, लीडरशिप क्वालिटी, केयरिंग एंड शेयरिंग, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स प्रॉपर्टी, ऑनेस्ट। उसके बाद जो थर्ड वाला है लाइफ स्किल दैट इज इमोशनल, और इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, इमोशनली स्टेबल, एक्सप्रेसेस फीलिंग्स, स्ट्रेस, एंगर एंड एक्सेप्ट्स क्रिटिसिज्म। देन नेक्स्ट वन जो हमारा लाइफ स्किल है दैट इज एटीट्यूड, उसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, डिसेंट, ओबीडियंट, पॉजिटिव, इंटरैक्टिव, एक्सप्रेसिव एंड रिस्पेक्टफुल। उसके बाद जो अगला वाला हमारा लाइफ स्किल है दैट इज गेम्स, इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, एंथुजियाज्म, डिसिप्लिन, टीम स्पिरिट, टैलेंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन। एंड द नेक्स्ट वन द लाइफ स्किल, नेक्स्ट लाइफ स्किल इज आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, और इसमें जो इंडिकेटर्स दिए हुए हैं दैट इज शोज इंटरेस्ट, स्किल, इमेजिनेटिव, एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, रिदम एंड मेलोडी। एंड द लास्ट वन मॉर्निंग असेंबली, इसमें क्या क्या इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, सिंग्स प्रेयर, रीड्स न्यूज, रिसाइट्स पोएम, आस्क जीके क्वेश्चंस, डिक्लेमेशन एटसेट्रा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं इसके इंप्लीमेंटेशन में, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। नंबर वन, इट इज क्वाइट टफ टू हैंडल लार्ज ग्रुप विद इंडिविजुअल अटेंशन, टीचर वेकेंसीज एंड टीचर डेप्यूटेशन ऑब्स्ट्रक्ट द लर्निंग पेस एंड कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन, this lack of proper training, no pool of resource persons. So this was all about CCE. I hope you all like it. Thank you.